आईपीएल 2021 का दूसरा लेग करीब आ गया है। कुछ टीमें ऑलरेडी यूएई पहुंच चुकी हैं तो कुछ अभी निकलने वाली हैं और इस बीच टीमें अपनी अपनी स्क्वाड भी मजबूत कर रही हैं। इसी सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ा है। टीम ने श्रीलंका से दुश्मंता चमीरा, वानिंदु हसरंगा और सिंगापुर के टिम डेविड को साइन किया है। तीनों ही खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। आरसीबी ने इन्हें एडम जाम्पा, डैनियल सैम्स और फिन एलन की जगह अपने साथ जोड़ा है। उसके साथ ही टीम ने यह भी बताया कि उनके कोच साइमन कार्टिज ने रिजाइन कर दिया है। आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट माइक हेसन ही टीम के कोच भी रहेंगे। आपको बता दें कि वानिंदु हसरंगा को लेकर पहले से ही खबरें आ रही थी। वानिंदु कमाल के स्पिन ऑलराउंडर हैं, वे गेंदबाजी के साथ साथ बड़े बड़े शॉट्स लगाने में भी माहिर हैं। पिछले महीने ही उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। 3 मैचों की T20 सीरीज में 7 विकेट लेकर वानिंदु प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। श्रीलंका ने भारत को 2-1 से हराकर T20 सीरीज अपने नाम की थी। तीसरे और अहम मुकाबले में उन्होंने महज 9 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद ही आरसीबी ने उन्हें अप्रोच किया था और तब से कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीबी ने खरीद सकती है। अपनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ वानिंदु यूएई में बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आरसीबी से जुड़े प्लेयर्स में दूसरा नाम आता है दुश्मंता चमीरा का। श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फॉर्म में भी हैं। चमीरा के पास गति है। भारत के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। 3 मैचों में किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए थे। ये चमीरा का पहला आईपीएल सीजन होगा। तीसरे खिलाड़ी हैं टिम डेविड। ऑस्ट्रेलियाई मूल के सिंगापुरी खिलाड़ी हैं। मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज डेविड को बिग बैश, विटालिटी ब्लास्ट और पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने का अनुभव है। इस समय टिम डेविड इंग्लैंड के रॉयल लंदन वनडे कप में गदर मचाए हुए हैं। आखिरी के 3 वनडे मैचों में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। उनके पिछले 3 वनडे स्कोर 70 गेंदों में नाबाद 140 रन, 38 गेंदों में 52 रन और 73 गेंदों में 102 रन रहे हैं। अब वनडे को T20 मैच बनाकर खेलेंगे तो फ्रेंचाइजी की नजर तो पड़ेगी ही, लिहाजा आरसीबी के मैनेजमेंट ने टिम डेविड से बात की और आरसीबी के लिए उन्हें साइन कर लिया। टीम के नए प्लेयर्स के बारे में आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट माइक हेसन ने कहा, हसरंगा को टीम से जोड़कर हम काफी खुश हैं। हसरंगा टीम को बैलेंस देते हैं, कलाई के स्पिनर हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें साइन किया है। हसरंगा में बैटिंग की क्षमता भी है। चमीरा भी श्रीलंका से हैं, उनके पास अच्छी गति है और मैंने चमीरा को कोचिंग भी दी है। हालिया सालों में चमीरा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। फिन एलन की जगह हमने टिम डेविड को लिया है। द 100 में डेविड सदर्न वेव के लिए खेलते हैं और पावर प्लेयर हैं। सरे और बिग बैश में होबार्ट के लिए उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की है। बैटिंग ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल या डिविलियर्स की जगह भरने के लिए टिम डेविड बिल्कुल फिट बैठते हैं। आपको बता दें कि साइनिंग्स के साथ ही आरसीबी ने बताया कि उनके मुख्य कोच साइमन कार्टिज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह इस जिम्मेदारी टीम के डायरेक्टर माइक हेसन उठाएंगे। बताया जा रहा है कि कार्टिज ने निजी कारणों की वजह से कोच के पद से इस्तीफा दिया है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अविनाश ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।